मेरे साथ मौजूद है आयशा, जो एक निजी कंपनी में फूड राइडर की जॉब करती है। 14 घंटे काम करती है और घर वालों का सहारा बने हुए हैं। अपनी स्टडी को भी इसने कंटिन्यू किया हुआ है। जब मैंने ये स्टार्ट किया था, सबको ये लगता था कि ये लड़कियों के लिए नहीं है। लड़की का होता है कि उसका खानदान उससे खुश हो, उनको ये परेशानी ना हो कि इसकी जगह हमारा बेटा होता। मुझे माशरे की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ जो कमेंट्स जिस तरह के भी करता है वो अपने लिए करता है, वो अपनी नेगेटिविटी या अपनी मेंटालिटी का बताता है कि मैं इस तरह का हूँ। प्लान कर लेती हैं आप 13-14 घंटे काम करके 70,000 के राउंड अबाउट। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं आपका मेजबान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है आयशा, जो एक निजी कंपनी में फूड राइडर की जॉब करती है। और मजे की बात यह है कि मोटिवेशनल स्टोरी है। आयशा सुबह के टाइम एक निजी कंपनी में, वहां भी फूड राइडर की जॉब करती है, और पार्ट टाइम एक दूसरी कंपनी में जॉब करती है। टोटल दिन में ये 14 घंटे काम करती है और घर वालों का सहारा बने हुए हैं, और माशाल्लाह अपनी स्टडी को भी इसने कंटिन्यू किया हुआ है। यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन करूँगा कि ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो घर में बैठे हुए कहते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा। इस बच्ची ने ये साबित कर दिखाया कि काम करना चाहे तो इंसान कर सकता है और उसको मिल भी जाता है। और ये 14 घंटे काम करके अपने घर वालों का पेट पालती है। माशाल्लाह इसके वालिदैन भी खुश हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किन किन मुश्किलात का इसको सामना करना पड़ता है, और ये जॉब कितने घंटे करती हैं, डे में कितनी देर काम करती हैं और नाइट में कितनी देर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा मुझे सबसे पहले बताइएगा आपकी एज कितनी है? मेरी 23 साल उम्र है। 23 साल। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा BA कंटिन्यू है, कंप्लीट हो जाएगा इसी ईयर में। हमारे माशरे में एक तासुर पाया जाता है कि खवातीन जब बाइक चलाती हैं तो उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। माशरे के लोग तंग करते हैं, लड़के तंग करते हैं, क्या मामला है? ये सारी चीज़ें जो है ना, हम लोगों ने अपना माइंड सेट किया हुआ है। सबसे पहले जब आपने घर से निकलना होता है, एक औरत को ये होता है कि उसको अपना एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए कि मैं घर से निकल रही हूँ तो मुख्तलिफ लोगों का मुझे सामना करना पड़ेगा और उसको मैंने कैसे हैंडल करना है, इन सारी चीज़ों को, क्योंकि कोई भी काम है वो आसान नहीं होता। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो सबको ये लगता था कि ये लड़कियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ लड़के हैं। तो ये हम लोगों ने ही साबित करना है कि हम लोग इक्वल हैं। तो हम लोग अगर बराबर होके अपने घर वालों का साथ देते हैं, उनकी जिम्मेदारियों में हाथ निपटाते हैं, तो उनको हमारी ज़िंदगी बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। बहुत सारे लड़ाई झगड़े, इस तरह के मसाइल आपके घरों में कम होने लग जाते हैं। आपकी ज़रूरियात थोड़ी सी बेहतर तरीके से पूरी होने लग जाएँ तो आसानियाँ पैदा होती हैं। कभी ड्यूटी के दौरान किसी लड़के ने तंग किया हो या किसी कस्टमर की तरफ से परेशानी आई हो, कोई ऐसा वाकया? कस्टमर की तरफ से मुझे तब परेशानी आती है जब मैं कोई चीज़ अनइंटेंशनली भूल जाऊँ, मतलब किसी की ड्रिंक या किसी की फ्राइज़ या कोई चीज़ रह जाए, ऑर्डर कंप्लीट ना हो, तो तब फिर मसला होता है। आपको पता है फिर कस्टमर तब हाइपर होते हैं कि तो ये मेरी मिस्टेक होती है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। कोई मसला नहीं आता? तो इसके अलावा नहीं, मुझे स्टार्टिंग में अगर कोई कमेंट पास करता था वो भी मेन रोड पे, कस्टमर मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 70-80% लोग जो हैं वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। जो बाकी नेगेटिव हैं, कोई किसी के ऐसे कमेंट होते हैं तो वो मैं इग्नोर करती हूँ, ये सबसे अच्छा तरीका है। जब आप जॉब लेने गई थी तो कंपनी ने क्या कहा था? आपकी CV देखे कि आप कर पाओगी या आपको जॉब देने से इनकार किया? दरअसल जॉब का मसला मुझे इसलिए नहीं बना कि क्योंकि पहले एक साल मैंने इंडोर उसी रेस्टोरेंट में काम किया है, मैं उसमें कर रही थी। तो मुझे मैंने जब आने जाने में मुझे मसला होता था तो तब मैंने बाइक सीखी थी अपने लिए। इंटेंशन ये नहीं था कि मैं फूड राइडर की जॉब करूंगी, लेकिन जब मैंने बाइक सीख ली तो फिर मैं जिस कंपनी में कैशियर की या अंदर काम करती थी उसी में मैंने फिर अप्लाई किया कि मैं फूड राइडर की जॉब करना चाहती हूं। लेकिन एक महीने के बाद उन्होंने मुझे अप्रूवल दे दिया था, इसलिए जॉब के लिए मुझे मसला नहीं बना। लेकिन उन्होंने मुझसे रिटर्न लिया था कि आप अपने बिहाफ पे कर रही हैं, आपके साथ कोई मसला होता है किसी भी किस्म का तो वो आपने खुद समझ। स्टार्टिंग में जब आप फूड डिलीवर करने जा रही होती थी तो कोई आपको आपका लूज़ हुआ हो, किसी ने कमेंट्स पास किए हों और आप परेशान हो गई हों, ऐसा मामलात होते थे? जी स्टार्टिंग में होते थे, लेकिन अब तो मुझे ये चीज़ें महसूस नहीं होती। स्टार्टिंग में ऐसे होता था कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता था जब कोई कहता था कि लड़की है, या फिर समटाइम लोग एक मरतबा स्टेयर करते देखते हैं फिर स्टेयर करने लग जाते हैं कि ये लड़की है। देखते क्या वैसे, आपको क्या लगता है? शायद हैरान होते हैं या कुछ भी, वट एवर, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन वो जब देखते हैं फिर दोबारा स्टेयर करने लग जाते हैं कि ये लड़की है, तब मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता था। तो के ये अब नहीं होता है, अब नहीं होता। अच्छा आयशा, आपने मुझे बताया कि आप सुबह के टाइम भी काम करती हैं, दिन के कितने घंटे आप काम करती हैं और ऐसी क्या मजबूरी है कि आप दो जॉब्स करने पर मजबूर हैं?
13-14 घंटे हैं। देखें, अगर देखा जाए तो ज़रूरियात है वो ये है कि बहुत कम तरीके से मैं पूरी कर सकती थी। पहले जब मैं एक जॉब करती थी तो इसमें मसला होता था, तो अब हमारे घर के हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हुए हैं मेरे डबल जॉब करने की वजह से। इसलिए फिर मैं, मुझको ये डबल जॉब डबल नहीं लगती, थकावट महसूस नहीं होती, क्योंकि जब मैं घर जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपनी फैमिली को फैसिलिटेट कर रही हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है एक लड़की का होता है कि उसका ख़ानदान उससे खुश हो, उसको उनको ये परेशानी ना हो कि इसकी जगह हमारा बेटा होता। अच्छा, के टाइम डिलीवरी जब करने जा रही होती है तो डर नहीं लगता कि ये रास्ते इस तरह के हैं, कोई हादसा ना हो जाए या कोई इस तरह का इंसिडेंट ना आपके साथ पेश आ जाए? दरअसल मैं जिस एरिया में जाती हूँ ना, मॉडल टाउन के कुछ ब्लॉक्स में जाती हूँ, मेरी कंपनी की मैनेजमेंट बहुत कोऑपरेटिव है। उनको अगर मैं कह दूँ कि ये ऑर्डर मैं नहीं कर सकती या इस एड्रेस का मुझे आइडिया नहीं है, मुझे नहीं भेजते। और कुछ ब्लॉक्स में जाती हूँ वो बहुत सिक्योर होते हैं, और मैं वैसे भी एहतियात करती हूँ। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो मैं 11 बजे तक करती हूँ, पहले मैं 12 बजे तक करती थी। कितना अर्न कर लेती हैं आप 13-14 घंटे काम करके? मैं 60,000-70,000 के राउंड अबाउट है। अच्छा चल जाता है जी, अब तो बहुत बेहतर हो गया है। अच्छा आयशा, लास्ट में उन लड़कियों उन लड़कों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो घर में बैठ के ये बहाना बना लेते हैं कि काम नहीं मिल रहा, काम है नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, या मैं वो नहीं कर सकता? मैं स्पेक्स किसी एक खातून या मर्द को नहीं कह रहा, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ, एक तो आप मसरूफ़ होते हैं, आप बहुत सारे लोगों की ऐसी बातों से दूर रहते हैं जो आपको तकलीफ़ दे। मुझे माशरे की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ जो कमेंट्स जिस तरह के भी करता है वो अपने लिए करता है, वो अपनी नेगेटिविटी या अपने मेंटेलिटी का बताता है कि मैं इस तरह का हूँ। तो आप अपने अल्फाज से ही बताते हैं कि आप कैसे इंसान हैं। मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसलिए मुतमईन हूँ कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, वो मेरे साथ खुश है, उनको सपोर्ट कर रही है। जी नाज़रीन, आयशा ने ये साबित कर दिखाया कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं, लड़के अगर आगे हैं तो लड़कियाँ उनसे भी आगे हैं, और ये दिन के 14 घंटे काम करके अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बने हुए हैं, और ये काम करती है फूड राइडर का। मेरी देखने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि इस बच्ची को सपोर्ट किया जाए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार किया जाए। दूसरे नंबर पर, अगर कोई आला ओहदेदार इनकी बात सुन रहा है तो खुदा रहा इस बच्ची को कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब दी जाए ताकि ये अपने घर वालों का मुस्तकबिल सिक्योर कर सके। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।